अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शंकरगढ़ हिल्स पर वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन। वन मंडल देवास के अंतर्गत इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित 3 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन शंकरगढ़ पालनगर में किया जा रहा है। वन परिक्षेत्र देवास के शंकरगढ़ पालनगर में शासकीय अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की उपस्थिति में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक तुकोजीराव पवार विज्ञान महाविद्यालय, केपी कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जीडीसी महाविद्यालय, सरस्वती ज्ञान पीठ हायर सेकेंडरी विद्यालय, सरस्वती बाल विनय मंदिर बालगढ़ के विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी, उपाध्यक्ष राहुल गोस्वामी तथा वनमंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा, एसडीओ एसके शुक्ला, वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान एवं राजेंद्र कुमार सोलंकी व मास्टर ट्रेनर पीएन तिवारी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का वनमंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई तथा उपस्थित बालिकाओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। मुख्य अतिथि द्वारा बालक बालिकाओं को शंकरगढ़ पालनगर में अनुभूति कार्यक्रम का महत्व तथा उद्देश्य के बारे में बताया गया। वनमंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों से उनके अनुभूति कार्यक्रम में उनके अनुभव के बारे में पूछा, बाघों के बारे में जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल द्वारा वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसकी प्रशंसा की गई एवं वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा तथा पौधों से पाए जाने वाले लाभ के बारे में प्रकाश डाला। एसडीओ एसके शुक्ला द्वारा जैव विविधता पार्क में रोपित 55 प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। पाली पौंड समझाकर जल संरक्षण की जानकारी दी गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा शंकरगढ़ पालनगर की भौगोलिक स्थिति एवं रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई। बालक बालिकाओं को इको टूरिज्म की ओर से टी शर्ट एवं केप तथा पुस्तक का वितरण किया गया। विद्यार्थियों को वन भ्रमण कराया गया। मास्टर ट्रेनर पीएन तिवारी द्वारा बच्चों को शंकरगढ़ हिल्स में उपलब्ध पौधों के बारे में जानकारी दी गई तथा वनों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों के बीज एवं छाल से होने वाले लाभ तथा उनकी पहचान करवाई गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा बच्चों को वन्य प्राणियों के बारे में तथा वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के पद की पहचान कराई गई एवं वन विभाग के कर्तव्य एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाया गया तथा रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों द्वारा कविता भजन नृत्य प्रस्तुत किया गया। बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा एवं वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वंशिका अनिल मंडलोई, द्वितीय स्थान स्नेहा बामनिया, तृतीय स्थान प्राची रजवानी ने प्राप्त किया। विशेष पुरस्कार नृत्य प्रस्तुत करने वाली गायत्री नागर एवं उनके साथियों को नृत्य प्रस्तुति हेतु दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से योगदान देने वाले उपवन क्षेत्रपाल राकेश मोदी, वनपाल श्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, ज्योति जाट, अंकित मंडलोई, कमल परमार, महेंद्र पवार, शिव प्रताप सिंह, नेहा शर्मा, जयप्रकाश तिवारी आदि का सहयोग रहा। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू शब्द की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बच्चों के पीछे और हमारे मैनेजर साहब क्वेश्चन उसका जवाब देंगे। तो इसके बीच में बच्चों फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं और प्रश्नोत्तर का सेशन होता है। कुछ गेम्स भी उनको खिलाते हैं। कुछ बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं कुछ अपने तरीके से तैयार होकर आते हैं अपना सांस्कृतिक पहल के साथ अच्छी तरीके से आयोजन को करना और उसमें प्रकृति से जुड़ने का अभियान बताना। साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ पेपरी लिख कर